फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी कि एक सलवार के पाँचे कैसे बताते हैं। देखिए मेरे पास ये जो कुर्ती का कपड़ा है इसके अंदर मैंने अपना बुकरम लपेटा है। मैं इसके डिजाइनेबल पाँचे बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने ये बुकरम के अंदर ये अपना इसको कवर कर लिया है जो सूट का हमारा ये कपड़ा था। और सलवार हमारी ये गोल्डन कलर है। ये देखिए ये सलवार का फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हम पाँचे बनाएंगे सलवार बनाने के लिए, तो इसको हम इसके ऊपर लगाऊंगी। जैसे मैं ये है ये साइड, ये जो हमारा ब्लू कलर है ये बाहर की साइड में दिखेगा क्योंकि कुर्ती का कलर ब्लू कलर है। तो इसको मैं डिजाइनेबल पाँचे बनाऊंगी। ये देखिए हम इसको ऐसे लगाएंगे। इसको हम ऐसे पूरा स्टिच कर देंगे, ऐसे अंदर में थोड़ा सा फोल्ड करके हुए ऐसे ऊपर से लगाएंगे। ये हमारा बाहर की साइड में रहेगा। देखिए मैंने इसको ऐसे पूरी पे सिलाई कर दी है। ये जो हमारा ब्लू कलर है ये डिजाइनेबल हमारा ऊपर की साइड में रहेगा, बाहर की साइड में दिखाई देगा। ऐसे ही हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। आप जब भी ऐसे पाँचे बनाएं, जैसे कुर्ती के कलर के हमें ऊपर पाँचे लगाने हैं, तो देखिए ये अंदर की साइड में भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अच्छे से इसमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा। आप इस साइड भी डिज़ाइन बना सकती है, लेकिन हम ये फ्रंट पार्ट के ऊपर की साइड में ये वाला डिज़ाइन देंगे। अब इसमें मैं आपको डिज़ाइन बताऊँगी। ये देखिए एक सीधी सिलाई लगाएंगे हम। मैंने अपनी एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ में हम एक और सीधी सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी इसके अंदर अब हम लहरिया बनाएंगे। ऐसे ही हमने जो दूसरी लाइंस बनाई थी इसके अंदर भी हम लहरिया बनाएंगे। एक और लहरिया बनाएंगे अभी इसके साथ में।
तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। अब इसमें हम एक ऐसा आकार देंगे पूरे के अंदर, जो ये हमारा है, ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसमें लहरी का, इसके अंदर हम दो दो इंच पे निशान लगा के तो इसमें ऐसा आकार देंगे। वो ये देखिए, हम इसका अभी दो दो इंच पे हम निशान लगाएंगे। देखिए ऐसे मैं पूरे अपने पोंचे पे दो दो इंच पे निशान लगा लूँगी। ये मैंने दो दो इंच पे निशान लगा लिए हैं पूरे में। ये देखिए ऊपर की साइड में भी हम दो दो इंच पे निशान लगाएंगे, जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर हम ऐसे ही डॉट लगा लेंगे। ये देखिए इसमें हम ये डिज़ाइन देंगे, देखिए ट्रायंगल शेप देंगे। ये देखिए हम इन डॉट्स को ऐसे मिला देंगे ताकि इनकी शेप कुछ ऐसे ट्राइंगल जैसे आएगी। ये हमारी ऐसी शेप रहेगी बनने के बाद। ये देखिए पूरा बनने के बाद कुछ इस तरह की शेप आएगी इसकी ट्राइंगल में। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही इसके ऊपर से अब हम सिलाई करेंगे। ये देखिए जो हमने निशान लगाए थे उसके ऊपर से ऐसे हम सिलाई करते हुए चलेंगे। ऐसे तिरछा लाएंगे, तिरछा लाने के बाद हम जो दूसरी साइड से निशान लगाए थे इसके ऊपर से भी हम एक सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे हमें मशीन उठा के ही कोने बनाने हैं ताकि उनकी शेप अच्छे से आएगी। ऐसे हम उठा के मशीन को उठा के और फिर सिलाई करेंगे कोने के ऊपर से ताकि शेप अच्छे आए। बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कि बनने के बाद देखिए ऐसे आएगा, इस तरह से कुछ ये डिज़ाइन आएगी। ये देखिए पूरी शेप अच्छे से आई है इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और दीपेश।